नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। हिंदी फिल्मों का एक मशहूर गाना है, हजूर बहुत देर कर दी आपने आते आते। लेकिन यही गाना यदि हम उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद राजबब्बर पे गाएं तो गाने की टोन होगी यह कि हुजूर बहुत देर कर दी आपने जाते जाते। जी हाँ, जाते जाते। दरअसल राजबब्बर जब से राज्यसभा सांसद बने हैं उन्होंने उत्तराखंड की ओर मुड़कर नहीं देखा और अब उनकी विदाई की बेला है। राजबब्बर का यह कार्यकाल कैसा रहा और उनके बाद से कौन आएगा, इसी पर है आज की हमारी स्टोरी। हाथ हिलाते और मुस्कुराता चेहरा, यह राजबब्बर का है। हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय कला से राजबब्बर ने करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई। लेकिन अभिनेता से नेता बनने के बाद उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरता चला गया। खासकर उत्तराखंड वासियों को राजबब्बर का नेता वाली छवि बिल्कुल नहीं भाई। और इसकी वजह यह है कि 2015 में उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने राज्य की ओर मुड़कर नहीं देखा। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने राज्य की जनता का हालचाल पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। इस दौरान कुछ भाजपाइयों ने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर जगह जगह चिपकाए, लेकिन राजबब्बर को न ही उत्तराखंड की जनता की सुध लेनी थी और न ही उन्होंने ली। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। अपनी जो सांसद निधि उन्होंने उत्तराखंड में खर्च करनी थी वह भी उन्होंने यहाँ की बजाय उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में खर्च की। एक सांसद को मिलने वाली करोड़ रुपए की निधि से उन्होंने महज कुछ रुपए देहरादून में जरूर खर्च किए, लेकिन उस पर भी विवाद हो गया। जिस कंपनी को काम करने का ठेका मिला वह काम किए बिना ही रुपए लेकर फुर हो गई। सांसद आदर्श गांव के तहत उनके द्वारा गोद लिया गया गैरसैंण का लामबगड़ गांव आज भी बदहाल है। बहरहाल अब राजबब्बर का कार्यकाल खत्म हो चुका है, चुनाव आयोग ने नए चुनाव की घोषणा कर दी है। इस बीच हमने राजबब्बर से बात करने की कोशिश भी की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लगता है कि उन्होंने नेता के कपड़े जरूर पहन लिए लेकिन उनके दिमाग में अभी भी अभिनेता वाला गुरूर हावी है। कार्यकाल समाप्त होने से राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। हेलो जी, जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट लाई है और हम 100% इस सीट जीतेंगे जी। राजबब्बर जी ने तो और कांग्रेस ने तो उत्तराखंड के लिए कुछ किया नहीं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट वर्तमान में भी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए जी। और जो और चुन करके आएंगे वो भी प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे जी। राज्यसभा जी 6 साल रहे लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। तो ये फिलहाल राज्य की विधानसभा का मौजूदा गठ देखें तो यह तय है कि अगला उम्मीदवार राज्यसभा का बीजेपी से ही होगा। लेकिन डर इस बात का है कि बीजेपी भी उत्तराखंड वासियों के सर पर किसी नए राजबब्बर को न थोप दे। अगले राज्यसभा सांसद के लिए भाजपा में से श्याम जाजू का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्याम जाजू हसमुख और मिलनसार हैं लेकिन पहाड़ की समस्याओं से उनका कोई साबका नहीं है। इसके अलावा भाजपा की ओर से अगला नाम पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का है। 2016 में कांग्रेस की टूट में विजय बहुगुणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 2017 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजेगी। खैर, बीजेपी से कौन चुना जाएगा यह देखना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि नमस्ते राजबब्बर, और ये स्वागत वाला नहीं विदाई वाली नमस्ते है।